तो आज है भाई दूज। तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए मेरी और मेरे चैनल की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी भाई दूज। तो अब हम लोग जो है भाई को टीका करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं ना जैसे कि कल ग्रहण था ना, तो इस वजह से जो है अभी बोल रहा था कि भाई मतलब कोई भी टीका वगैरह किया नहीं जाएगा। 2 बजे का टाइम पंडित जी ने दे रखा था, तो बस इसी वजह से हम लोगों ने अभी तक भाई का टीका वगैरह नहीं किया हुआ था। तो बस अब हम वही करने जा रहे हैं। तो आप लोगों की किस तरह से करते हैं प्लीज़ आप लोग हमारे को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर फटाफट से, क्योंकि भाई को अभी जाना है मेरी सिस्टर को लेने ना, कि मेरी जो सोलन वाली सिस्टर है ना वो आ रही है, तो भाई जा रहा है उसको लेने के लिए। तो मैं कहा फटाफट से भाई को टीका वगैरह कर देते हैं हम लोग, फिर नहीं तो हमारे ना मतलब खाली माथा अच्छा नहीं मानते हैं भाई दूज वाले दिन ना, तो बस इसीलिए। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं फिर। और ये देखिए यहाँ पर थाली तैयार कर रही है मधु। तो बस अब मेरी बारी थी मतलब टीका करने की भाई को ना, तो हम लोग बारी बारी करते। तो सबसे पहले टर्न मेरी होती क्योंकि सबसे बड़ी बहन हूँ मैं, तो हमारे ना नंगे सिर कटते हैं। तो बस भाई ने तौलिया लगाया अपने सिर पे और बस फिर मैंने फटाफट से टीका कर दिया भाई को। तो गिफ्ट वगैरह कुछ लिया नहीं था क्योंकि हम मार्केट गए नहीं, बस अब लेना बाद में ही ले लूँगी मैं का। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने 101 रुपया दिया सब बहनों ने। तो बस मैंने और मधु ने टीका कर लिया हुआ है, मेरी सिस्टर जो है वो बाद में कर लेगी। तो अब मधु की बारी है, तो मधु भी हो रही है रेडी। तो मेरी चुन्नी ये लगा रही थी, बोलते आपकी चुन्नी ले लेती हूँ क्योंकि नंगे सिर हमारे करते नहीं ना, तो बस इसीलिए। तो अब मधु की टर्न थी, बोलते मैं भी टीका कर लेती हूँ फटाफट से, फिर और काम भी करने थे। तो भाई आज हमारे घर में बनने जा रहे हैं काबुली चने। ये देखिए सुबह से लेकर हम लोगों ने भिगो के रख लिए थे और अब हम उसको प्रेशर में चढ़ाने जा रहे हैं कि आज हमारे घर में बनेंगे काबली चने एंड साथ में बनाने जा रहे हैं हम पूरी, है ना मधु? हाँ जी, तो छोले और पूरी बनेंगे क्योंकि मेरी सिस्टर भी आ रही है ना। फ्रेंड्स अभी शाम के बज रही है नॉर्मली आप बोलो तो 7:30 और मैं गूंदने जा रही हूँ पूरी के लिए आटा। मैं पूरी बनाती हूँ तो मेरा मैक्सिमम ये रहता कि मैं सजेड़े से बनाती हूँ, बट सजेड़ा बना ही नहीं पाए। तो सब बच्चों ने जिद की कि मामू बोलते स्काई शॉट जलाओ, तो इसीलिए मेरे भाई ने सबके लिए स्काई शॉट जला दिया और हमारी दिवाली आज भी खत्म हो पा रही थी। तो अब मेरी जो सिस्टर आई थी ना, तो ये थोड़ी लेट हो गए थे, तो अब बांध रही है भाई को ना, बाकी मैंने और मधु ने तो बांध लिया था। तो अब इनकी बारी थी। भाई अब क्या जा रहा है साईं का टीका। हाँ, और साईं के लिए ओ भी क्या दे रही है, देखा गया भाई क्या है। तो अब हमने जो है पूरी बनाना शुरू किया था, तो मेरी एक सिस्टर पूरी को बेल रही थी और मैं जो है इसको तल के बाहर निकाल रही थी। तो फटाफट से पूरी को बेलना शुरू किया कि हम लोग बेल के कर रहे थे ना। तो ये देखिए फिर कुछ इस तरह से बनी और मैंने कढ़ाई में इसको डाल दिया। और सच मानिए आप लोग फ्रेंड्स यकीन नहीं करोगे कि एक एक पूरी हमारी इतनी अच्छी फूली थी ना और इतनी सॉफ्ट हुई थी कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैं डीप फ्राई कर रही थी इसको, तो आपको पूरी को देख के खुद ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बनी होगी। और इन पूरियों को बनाने के लिए जो है हमने पूरी में, क्योंकि जल्दी जल्दी में बना रहे थे ना हम लोग, तो बस इसीलिए हमने इसमें डाला था इन पूरियों को बनाने के लिए दही और क्या ना होते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था मैंने इसमें और दूध डाल दिया था। बस इन्हीं कुछ मटेरियल चीज़ों से ये मैंने आटा इसका गूंदा था और पूरियाँ बहुत टेस्टी बनी थी। तो कभी आप लोगों को भी अगर जल्दी जल्दी में पूरी बनानी हो तो इन चीज़ों का आप इसमें यूज़ करें।